गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 10th, चैप्टर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। तो हमें इसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हिच टर्म मींस एन, वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है। देन द सॉल्यूशन नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज करेंगे nth टर्म फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। गिवन ap में a हमारे पास है फर्स्ट टर्म 3। डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, a2 माइनस a1, इट मीन्स सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 क्या आएगा हमारे पास 5। n, स्मॉल n हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, एंड वैल्यू ऑफ an हमारे पास कितनी है, गिवन है 78। अब वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे गिवन फॉर्मूले में, पुट द वैल्यू ऑफ an इज 78 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ d इज 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 5, एंड 5 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 5। हियर 78 इक्वल टू 3 में से माइनस 5 माइनस करेंगे माइनस 2 प्लस 5n, माइनस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, इंप्लाइज दैट 5n इक्वल टू 78 प्लस 2 हाउ मच 80। अब जो चीज मल्टीप्लाई में होती है किसमें चली जाएगी, वो डिवाइड में, इट मीन्स n इक्वल टू 80 अपॉन 5। अब 80 में 5 का डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 वन जा 5 एंड 5 सिक्स जा 30, 16। वैल्यू ऑफ n इज 16, इट मीन्स हैंस द 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। तो आंसर हमारा होगा 16 टर्म्स है तो गिवन एपी में वो क्या है 78। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, फर्स्ट पार्ट 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205, सेकंड 18, 15, 1/2, 13 एंड सो ऑन -47। वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट 7, 13, 19 दैट इज 205। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें भी अगेन हम nth फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई b, n टर्म्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन ap में फर्स्ट टर्म हमारे पास स्मॉल a इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1, इट मीन्स 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस करिए 6। स्मॉल n हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, an इक्वल टू लास्ट टर्म, इट मीन्स an इक्वल टू 205। वैल्यूज पुट करेंगे गिवन फॉर्मूले के अंदर, इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ an 205 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 7 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ d 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6 से, माइनस 1 से किया तो माइनस 6, इंप्लाइज दैट 205 इक्वल टू 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 प्लस 6 है। अब इस 1 को ट्रांसफर करेंगे इधर, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस 1, 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n, इंप्लाइज दैट 6n इक्वल टू 205 में से 1 माइनस करेंगे 204,
जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो किस में आ जाती है, डिवाइड में। हेयर एन इक्वल टू 204 अपॉन 6, 204 में 6 का डिवाइड करेंगे, 6 थ्री जा 18 एंड 6 फोर जा 24, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 16। सो दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी इज 16 आंसर। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। 18, 15, 1 अपॉन 2, कॉमा 13, दैट इज माइनस 47। इसमें भी एनर टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बी। फर्स्ट टर्म वैल्यू ऑफ ए इज 18, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे d इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में 15 टू जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे, 31 अपॉन 2 माइनस 18, अपॉन में 1 लगाकर एलसीएम लेंगे इसका 2 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 31 माइनस 18 टू जा 36, 36 में से 31 माइनस करेंगे 5, बड़ी वाली डिजिट के साथ साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस 5 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 5 अपॉन 2। इसमें भी हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, एंड लास्ट टर्म इट मीन्स एन गिवन है माइनस 47। वैल्यूज पुट करेंगे गिवन फॉर्मूले के अंदर, इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ एन माइनस 47, वैल्यू ऑफ ए 18 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 5 अपॉन 2, प्लस के 18 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18, माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 2, माइनस 47 माइनस 18 सेम साइन में प्लस हो जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 7 15 1 केडी, 4 प्लस 1 5 6 माइनस 65 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 65। अब देखिए जो चीज डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चले जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, तो ट्रांसफर कर देते हैं, इट मीन्स एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 65 मल्टीप्लाई 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला माइनस 5 डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 को 65 से कैंसिल कर देंगे, 5 इन 5 5 थ्री जा 15, 13 इंटू 2 एन माइनस 1 इक्वल टू 13 इंटू 2 26, इंप्लाइज दैट माइनस के वर्ग को जब ट्रांसफर करेंगे एन इक्वल टू 26 प्लस 1 27, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल एन इक्वल टू 27, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी इज 27 आंसर।